हेलो, मैं मृदुला बोल रही हूँ. नाम शायद याद ना हो पर 3 करोड़ की डोनेशन तो याद होगी. ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकता. समय आने दीजिए, आपका ये डोनेशन पूरा हिंदुस्तान नहीं भूलेगा. तो मेरा भी एक काम कर दीजिए ताकि मुझे भी याद रहे. करेंगे ना. निखिल और कोयल के बारे में सोच रहे हैं. मैं भी. एटलीस्ट हमारे पास टाइम तो डिसेंट सा सॉल्यूशन फिगर आउट करने. या मैं तो ये सोच रही थी कि कोर्ट में जज के सामने ये कैसे प्रूव करें कि कोयल निखिल को एक स्टेबल एक अच्छी लाइफ दे सकती है. क्या हुआ? काफी स्ट्रेस लग रही है. कोई जोक सुनाया इसने? हंस क्यों रही? मुझे भी सुनना. मैंने कोई नहीं जोक सुनाया जी, अपने आप ही हंस रही है. मोनू तू आजकल बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है ना? मुझे भी लग रहा है काफी वियर्ड बिहेव कर रही है. क्यों मोनामी? तुझे क्यों लग रहा है? तू बड़ा नोटिस कर रहा मोनू को आजकल. तू भी तो कर रहा है. वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. तू कौन? गर्मी हो रही है ना? हाँ गर्मी तो है. गर्मी तो है. ये लो कूल डाउन. अरे नहीं नहीं, सुमन जी के गांव में ना आज कुलदेवी की पूजा है इसलिए सुमन जी का व्रत है. फास्टिंग? वाओ, फास्टिंग इज वेरी गुड फॉर हिम. लेकिन मैं तो भूखी नहीं रह सकती. सुमन जी के लिए ना राजेश जी भी भूखे हैं आज, उन्होंने भी व्रत रखा है. कहते हैं ये व्रत रखने से ना जोड़ी सलामत रहती है और अगर साथ में कुलदेवी की पूजा कर लो तब तो और अच्छा है. मगर अगर जोड़ी मिलके व्रत रखे ना तो भी जोड़ी सलामत रहती है. क्या हुआ बल्ली, बहुत हंसी आ रही है? हंसी नहीं आ रही, मैं तो कह रहा हूँ किस्मत वाले होते हैं वो लोग भी, तो प्यार करने वाला किसी के लिए व्रत रखता है. यहाँ तो कई लोग ऐसे भी हैं जो प्यार करते हैं पर व्रत नहीं रखते. सबके बस की बात नहीं. पता है बल्ली, आज ना शाम को वीडियो कॉल पे राजेश जी की शक्ल देख के ही कुछ खाएगी सुमन जी. और तू क्यों रुक गई? तू तो खा सकती है, खा ले. नहीं नहीं, वो I'm kind of full. भूख नहीं लग रही मुझे. अरे कॉफी तो पी जाती. सर मैं कमिंग. कमिंग. सर आपने मुझे बुलाया? कोयल तुम्हें निखिल के रहने का अरेंजमेंट कहीं और करना होगा. ही कैन नॉट स्टे इन द एकेडमी. आपको तो पता है कि सिचुएशन क्या है. मैं निखिल को लेके कहाँ जाऊंगी? मैं तो उसके कस्टडी के लिए लड़ रही हूँ सर. जानता हूँ सर. तो वो मुझसे अलग कैसे रह सकता है? आई नो, पर तुम पे ये एक्यूजेशन है कि तुम्हारी देखरेख में निखिल का एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था. Somehow got saved. अगर उसे कुछ हो जाता तो पूरा ब्लेम अकेडमी पे आता. एंड दैट आई कैन नॉट लेट इट हैपन. और वैसे भी अकेडमी बच्चों के लिए नहीं है. सर बेबी भी तो यहाँ रह रही है.
स्टाफ क्वार्टर्स है, तुम्हें कैडेट हो, तुम्हें स्टाफ क्वार्टर अलॉट नहीं कर सकता मैं। लुक, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, इफ यू कैन नॉट मेक एन अरेंजमेंट देन यू कैन पैक योर बैग स्क्वायर, अकेडमी छोड़ दो। That's an order. क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ? सर ने जो कुछ भी कहा चित्रा ने सुन लिया। हैशटैग कोयल, अब कहाँ जाओगी तुम, क्या करोगी? कोयल मैडम, कोयल मैडम, कोई तो होगा जिसके पास हम निखिल को छोड़ सके, कोई जो उसका ध्यान रखे। आपको कोई दोस्त वोस्त होगा ना? कोई नहीं है, और अगर निखिल को मैंने अपने से अलग किया तो अब भाई दोबारा उसे किडनैप करने की कोशिश करेगा। आई कांट रिस्क इट। यार, हम लोग एक बार जाके परम सर को रिक्वेस्ट करें क्या? कोई फायदा नहीं है, अगर उन्हें हमारी बात सुननी होती तो वो ये सब करते ही नहीं। I have no option. मुझे निकल के साथ एकेडमी छोड़ के जाना ही होगा। कोयल, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? ना ही कोई ऑप्शन है, ना ही कोई प्रॉब्लम का सलूशन। वो इसी चीज का मौका ढूंढ रहे हैं कि कब तुम यहाँ से निकलो और उस मौके का वो फायदा उठाए। फैजी इज राइट, कोयल। हाँ, मेबी आई एम रॉन्ग एंड मेबी यू ऑल आर राइट। क्या करूं? यू हैव अ सॉल्यूशन? सुनो, कोर्ट ने कहा है कि निखिल को मार बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए, तो दे दो ना। प्रॉब्लम क्या है? कोर्ट भी खुश, निखिल भी ठीक। मतलब आओ, कैसे? व्हाट? कोयल, देखो, हमें गलत मत समझो, हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। यही सही है निखिल के लिए। देखो, अगर तुम शादी करोगी तो तुम्हें स्टाफ क्वार्टर्स में रहने की परमिशन मिल जाएगी, तुम अप्लाई कर सकती हो और निखिल और तुम दोनों साथ में यहाँ पे रह सकते हो, और जज भी कन्विंस हो जाएंगे, निखिल को माता पिता मिल जाएंगे, उनका प्यार मिल जाएगा। और ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ और सिर्फ निखिल के लिए, दैट्स इट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.